We are going to discuss some examples in which we are going to apply जो रिजल्ट हमने अभी प्रूव किया था. कौन सा रिजल्ट प्रूव किया था हमने? कि दो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फंक्शंस की दी गई हैं. हाउ टू कंस्ट्रक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस एज अ पावर सीरीज. ओके, इसको कुछ एग्जांपल्स पे, दो एग्जांपल्स इन डीड आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस मॉड्यूल, उन पे अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट के बारे में जो है. अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद पावर सीरीज, एंड यू विल आप रियलाइज करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ पावर सीरीज का रिजल्ट हमने डिस्कस किया है, इसको अप्लाई करके वी कैन कंक्लूड सम फार्मूलाज, वेल नोन फार्मूलाज जो है उनको कंक्लूड भी किया जा सकता है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, और ये एग्जाम्पल जो है आगे हम यूज भी करेंगे विदाउट मैंशनिंग, मे बी मैं इन एग्जाम्पल्स को बड़ा फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज करूंगा इन माई नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स में. इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स वन ओवर 1 minus x, and we know that we have discussed that series many times, that its series equals summation n equals 0 to infinity x raised to power n, or this is in fact Maclaurin series hai, and x naught jo hai wo 0 hai aapka. So this series is convergent and it converges to f of x given by 1 over 1 minus x whenever x mod is less than 1. ओके, एवरीबॉडी नोज दिस वन. सो यहां पे ए एन क्या है? ए एन वन है, कॉन्स्टेंट है. वी हैव अनदर सीरीज, एनी सीरीज विच हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर. ओके, अब मैंने क्या करना है? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्रोडक्ट जो है इसको डिफाइन करना है. एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्रोडक्ट क्या बनेगा? जी एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स दिस वन, क्योंकि मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वन ओवर वन माइनस एक्स है. अब ये बी एन कुछ भी हो सकता है. सो द प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स है, जी ऑफ एक्स जो कि इसके इक्वल है, दिस सीरीज विल बी समेशन एन इक्वल जीरो टू इंफिनिटी एस एन एक्स रेज टू पावर एन, एंड इट विल बी कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स मॉड लेस देन मिनिमम ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अदर सीरीज जी ऑफ एक्स जो कि रिप्रेजेंटेशन है. और जी ऑफ एक्स जो है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है. सो मिनिमम ऑफ वन एंड आर. नाउ लेट सी कि ये एस एन जो है ये किसके इक्वल होता है. हमने ये डिस्कस किया था कि एस एन सी एन जो पिछले मॉड्यूल में था, यहां पर एस एन मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल में, एस एन इक्वल सुमेशन आर इक्वल जीरो टू एन ए आर बी एन माइनस आर. अब ए आर जो है वो तो वन है इस सीरीज का, इस सीरीज का कॉन्स्टेंट क्या है? ए एन जो है वो वन है. तो मेरा इनफेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? बी नॉट प्लस बी वन प्लस सो ऑन प्लस बी एन, एस एन मेरा यही बन जाएगा. और इसको मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट रिजल्ट्स में मैं इस रिजल्ट को यूज किया करूंगा नेक्स्ट मॉड्यूल्स में, वेयर एस एन इक्वल्स वन इंटू बी नॉट प्लस वन इंटू बी वन प्लस सो एंड सो फोर्थ वन इंटू बी एन, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. सो एस एन जो है वो एक्चुअली बी एन ही आ गया हमारा फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल. लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वन प्लस दिस इज माई एफ ऑफ एक्स. नाउ f of x equals 1 plus x raised to power p. It is represented by this power series. In fact, Maclaurin series x equals x naught equals 0 है यहाँ पे भी. और ये converge करता है whenever x mod less than 1 है. ये हमने ratio test से इसका radius of convergence जो है वो भी determine किया था. Let's discuss another series which is 1 plus x raised to power q. This is my g of x now. मेरा एफ ऑफ एक्स ये है, मेरा जी ऑफ एक्स ये है. अब दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम पावर सीरीज एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज द सेम एक्स मॉड लेस देन वन. सिंस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब ये फंक्शंस जो है मुझे पता है वन एक्स रेज टू पावर पी प्लस क्यू बनेगा. अब ये फंक्शन जो है जो यहां पे लिखा हुआ है, दिस फंक्शन इक्वल्स, अब ये इसी तरह की पावर सीरीज है ना, तो ये पावर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन तो मुझे पता था. सो दिस फंक्शन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, पी प्लस क्यू सी एन एक्स रेज टू पावर एन, इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन हम ये दो सीरीज दी गई हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर सीरीज का जो है उससे सी एन हमारा क्या होगा? सी एन विल बी दिस वन, सुमेशन
n equals 0 to r, pr, यहाँ पे आपका n की जगह r होना चाहिए, r equals 0 to infinity नहीं, यहाँ पे n होना चाहिए, okay? So, r equals 0 to n, pr q over n minus r, ये combinations हैं, okay? So, if I compare this expression with this one, so p plus q का, p plus q, cn, इसका formula बड़ा easily जो है, वो मैं drive कर सकता हूँ. Product of power series implies that cn equals p plus q over n, from this one, यहां से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? Okay, अब this yields the inequality के, p plus q over n equals, यहां पे r होगा, summation r equals 0 to n, p c r, and q n minus r. So this is the formula which we have concluded by using the concept of product of two power series. So we have discussed two examples in which we have applied the theorem which we have stated and proved previously, and it is about the two functions which have power series representation, how to define the product of these two functions, and how to define the power series of product of two functions.